अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हो कासिम टीज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉइन मास्टर के अंदर क्रोमा की कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वो भी आप देख लें। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड क्रोमा क्री के ज़रिए कैसे चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड अभी, तो इस तरह आप भी अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपको बताता हूँ कि आप क्रोमा की कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया कॉइन मास्टर के बारे में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाकर लाजम देखें। तो आपको वीडियो बनाने के लिए एक ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत होगी। आप ग्रीन स्क्रीन या कुछ भी ऐसा एक कलर इस्तेमाल करें कि जो आपके बैकग्राउंड में हो, एक कलर हो, ब्लू हो जाए, ब्लैक, कोई भी एक कलर इस्तेमाल करें, तब आप क्रोमा की यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो का फिर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलो आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। आपने कॉइन मास्टर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना और 16.9 पे क्लिक कर देना। उसके बाद फ्रेंड, आपने जो भी वीडियो बनाई हुई है वो वीडियो कॉइन मास्टर के अंदर ऐड कर देना। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये लाजमी होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड पे एक कलर होना चाहिए जो आपके कपड़ों के साथ या आपके फेस के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये वीडियो है, इसको पहले इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे हम। इस मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद अगर कोई गैलरी में आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है तो आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, जहाँ से भी ये लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने गैलरी में डाउनलोड किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ कौन सा बैकग्राउंड मैंने वीडियो के ऊपर लगाना है। आपका जो भी आप डाउनलोड कर लें गूगल से जाके, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ बैकग्राउंड। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड डाउनलोड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको जितनी आपकी वीडियो है इतने इसके मुताबिक बैकग्राउंड भी रख लेना है। यहाँ से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर ये फर्स्ट नंबर पे आपको मीडिया का निशान नजर आए, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने वीडियो कैमरा से आपने इसे रिकॉर्ड की हुई है वो वाली सिलेक्ट कर देना। जैसे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी वीडियो आ गई है। अब आपने करना क्या है, यहाँ जो आपने वीडियो सेलेक्ट किया इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने पहले इस वीडियो को क्रॉप कर लेना। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे ब्लू है लेकिन यहाँ से वाइट वाइट भी है साइडों से, लेकिन इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो आप इस तरह क्रॉपिंग कर लें। आपने वीडियो के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रोल डाउन करना, तो यहाँ क्रॉपिंग का आपको निशान मिलेगा, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्रॉप कर लेना। तो ये वीडियो मेरी क्रॉप हो गई है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। फिर आपने अपनी वीडियो जो आपने सेलेक्ट किया वीडियो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे क्रोमा की मिलेगा। क्रोमा की के ऊपर आपने यहाँ ये अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद यहाँ ये एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की कलर आपका जो भी बैकग्राउंड है वो की कलर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास बैकग्राउंड पर ब्लू था तो यहाँ पर भी मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लू सेलेक्ट कर दिया है। आप इस तरह पहले ब्लू सेलेक्ट कर लेना। अगर जो भी आपके बैकग्राउंड पे कलर है वो आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो कभी भी बैकग्राउंड आपका चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड सही क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मेरा वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो यहाँ से आप इसको यहाँ इस तरह इस वीडियो को पकड़ के जहाँ अपनी मर्जी चाहें लगा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं, कोई थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है वीडियो में या कुछ भी, जैसे मैं इतनी वीडियो ये ट्रिम कर देता हूँ। वीडियो पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सीजर के निशान पर जाना और यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट अपलेट कर देना।
बैकग्राउंड इमेज के साथ इतना ही कर लेता हूँ। बैकग्राउंड भी ट्रिम कर देना आप, ट्रिम टू लेफ्ट अपडेट कर देना। सॉरी वीडियो इस तरह नहीं हो रहा है ये बैकग्राउंड, लेकिन आप वीडियो पकड़ के यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐसे वीडियो को पकड़ के शुरू पे ले आना आप। तो अभी मेरी वीडियो बहुत लंबी है, मैं थोड़ी सी वीडियो आपको सिर्फ एडिट करना बता रहा था कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर अगर कोई टेक्स्ट वगैरह डालना चाहें, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के लिए आप कुछ भी, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल कासम टीच ऑनलाइन, ऐसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ कासिम टीच ऑनलाइन। ओके, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिसको जिधर भी आप चाहे रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद आप इसका कलर भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे आना है, ये आप डबल ए का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका मर्ज़ी है, जो आप बहुत से फॉन्ट मिल जाएंगे, जो आप मर्ज़ी रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आपसे। जैसे मैं ये रख लेता हूँ। और इसके बाद इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर कोई लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर फॉन्ट पे क्लिक करना। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर नीचे मिल जाएगा। यहाँ से ये इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना, जो भी लगाना हुआ। जैसे मैं रेड लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से फुल वेट पता नहीं क्या लिखा बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी जो मर्ज़ी रखना चाहें आप आ जाएगा। कोई भी आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहें, जैसे ये मैंने अभी लगा दिया बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ से इसको पकड़ के जहाँ पे मर्ज़ी रखना चाहें, यहाँ पे रखना चाहते हैं या जिधर भी रखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी वीडियो बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हो। तो इसमें आप अगर आप नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आगे कर दूँ। इसमें अगर आप एनिमेशन डालना चाहते हो, जो आपने टेक्स्ट किया है, इसमें अगर आप एनिमेशन भी डालना चाहते हो, जैसे इन एनिमेशन में आना, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे फेड, कोई भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं। इस तरह मैं जैसे ये वाला लगा देता हूँ, जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अगर आपने ओवरऑल एनिमेशन डालना है तो यहाँ से वो भी आप ब्लिंक वाला या कोई भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसमें आउटलाइन करना चाहते हैं, जैसे थोड़ा ज़बरदस्त नज़र आए, शेडो दिखाना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं इसको, तो वो भी आपको यहाँ से निशान मिल सकते हैं। ऐसे आकर के आप थोड़ा प्रोफेशनल बना सकते हैं इसको। जैसे फॉन्ट पे क्लिक करना, यहाँ मैं इसका थोड़ा सा शेडो बनाना चाहता हूँ, यहाँ इसको अनेबल कर देना। अनेबल करने के बाद ये नीचे आपको बार नज़र आ रही होगी, इससे आप एडजस्टमेंट कर लेना। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको क्रोमा की तो समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।